मानी अल्फाज यूनुस इस्तेमाल न करें काइंडली, आप बहुत सुलझे हुए आदमी है। कोई पार्टी नहीं है, क्यों पार्टी नहीं है? आपने कहा कोई पार्टी नहीं है, तो आप मलिक साहब ने तो से एक दूसरे के मलिक साहब ने बोल दिया ना, दे दे मैं अपनी पार्टी की यूनुस जान, यूनुस जान तशरीफ रखे, आप मुझे वो नहीं कहे किस तरह यूनुस जान तशरीफ रखे। एक जनरल बात कही कि एक पार्टी को देंगे तो सारी पार्टियों को देंगे, होना चाहिए तकरीबन, कहा कि फर्दों को भी बिल्कुल सबको बोलना चाहिए। नहीं तो जाहिर है तो हक है भाई, तो मैं स्पीकर से बात करूं, आप उधर बात करें। स्पीकर यूनुस जान आप थोड़ा मौका दे दे जनाब स्पीकर, मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से खलील जॉर्ज भुट्टो को जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो क्रेडिट जो है खलील भुट्टो साहब को जा रहा है, सियासत में इस तरह होता है कि भाई अब मैं अनअपोज्ड आ गया हूं, तो अनअपोज्ड आने का बुनियादी मकसद यह है कि ये क्रेडिट जो है कॉलिशन पार्टनर्स को भी जा रहा है, ये क्रेडिट जो है हमारे अपोजिशन को भी जा रहा है, कि अगर वो चाहते तो ये अनअपोज्ड नहीं आते। इसलिए जो है मतलब आप इस वक्त जो है अपने आप को जो है सारे हाउस का नुमाइंदा समझे, और जिस तरह से दिनेश का एक शिनाख्त बना था तो आप काइंडली उसी तरह जाए, लेकिन रेशनली आप जाए। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी खिदमत, आपकी वर्किंग जो होगी ये इस सूबे के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और आपकी जो कम्युनिटी है उसके आप बेहतरीन एक नुमाइंदगी करेंगे, और इस हाउस की कार्रवाई में बेहतर तौर पे आप अपना हिस्सा डालेंगे। शुक्रिया, मैं आपको दोबारा मुंतखब होने पर मुबारक। दरअसल मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेश करता हूँ यहाँ इस सीट पे आने पर और यहाँ पे एमपीए बनने पर। शुक्रिया, मैं दरअसल